जय हिंद दोस्तों, मैं अनस, फाउंडर सीईओ अनस एग्रीकल्चर। कैसे हैं आप? आपको एक चीज बताऊंगा, जैसा कि आपको भी पता ही है, सभी को पता है, पहले फर्नीचर जो होता था ना, वो एक शादीज में, मैरिजेज होती थी उसमें, या फिर बहुत हुआ कि हमने घर खरीदा है तो हम फर्नीचर देते थे, और फिर वो 10-10 साल, 12-12 साल, जब पूरा उसका कुशन खराब हो जाएगा, पॉलिश खराब हो जाएगी, लकड़ा टूट जाएगा, तब हम बदलते थे। लेकिन अभी ट्रेंड पूरा बदल चुका है। अभी लोग फर्नीचर को लाइफ स्टाइल में लिया है। फर्नीचर इज लाइक ए लाइफ स्टाइल, एक स्टैंडर्ड भी माना जाता है, एक क्लास माना जाता है। आजकल लोग 6-6 महीने में फर्नीचर बदलते हैं, 6-6 महीने में कलर बदलते हैं। अच्छा, फिर लेकिन एक बात और भी है कि फर्नीचर तो हर आदमी बदलना चाहता है, लेकिन बजट होता है, और जब बजट की बात है तो आदमी पीछे हाथ कर लेता है अपने। लेकिन अभी टेंशन मत लीजिए, आप फर्नीचर बदलिए कपड़ों की तरह। क्या बोल रहा हूँ? कपड़ों की तरह। हर 6 महीने में बदलिए, आपको इतना रिजनेबल देंगे अगर आप हमारे से फर्नीचर खरीदते हैं। वीडियो इसलिए बनाता हूँ, आपको टिप दे दूँ। फर्नीचर बेचने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। 48 साल से फर्नीचर बेच ही रहे हैं, पुणे महाराष्ट्र में बैठे हैं, लोकेटेड पुणे में है, सेंटर में बैठे हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में 2 घंटे में आप हमारे यहाँ रीच हो सकते हैं। हम फिजिकल भी हैं, डिजिटल भी हैं, जैसा आपको पता है। ये जो सोफा हमने बनाया है, जैसा मैं आपको बोला ना, आजकल जो फर्नीचर है लाइफ स्टाइल हो गया है, तो ये लाइफ स्टाइल ही के जैसा है, स्टैंडर्ड के जैसा है। लोग घर पे जब आते हैं तो वो आपने कैसा फर्श डाला है, या कैसे आपने विंडो बनाई है, कैसे स्लाइडिंग विंडो बनाई है, या कैसा बाथरूम बना है, वो नहीं देखते। लोग देखते हैं आपका फर्नीचर, कि फर्नीचर कैसा लग रहा है, क्योंकि लोग बैठेंगे आपके फर्नीचर में। तो मेरा मानना है फर्नीचर इंसान को अच्छा ही लेना चाहिए, क्योंकि हम 24 घंटे सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो फर्नीचर ही होता है। तो कैसा लग रहा है फर्नीचर? साइजेस बहुत अलग है, बहुत अल्टीमेट है। आप हिंदुस्तान के किसी के भी यूट्यूब चैनल पर चले जाना, आपने ये सोफ़ा नहीं देखा होगा, चैलेंज देखा होगा तो मैं फ्री दे दूँगा। अभी तक, आज की तारीख तक किसी ने बनाया नहीं है, या हमारे यहाँ बना है। स्पेशली हमने ये होटल्स का काम किया था, और अभी मैं आपके लिए लेकर आया। दोनों कॉम्बिनेशन देखिए, क्लासी सोफे हैं। पसंद आए तो लाइक करिए, पसंद तो ज़रूर आएगा। साइज बहुत हैं, कलर बहुत हैं, पॉलिश के कलर बहुत हैं, कपड़े के कलर बहुत हैं। आप जो बोलेंगे मैं वैसा कर दूँगा। मेरा बयान कैसा लगता है कमेंट करके बताइए, और बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं कविता, ये किरण। एक्चुअली हम यहाँ पे फर्नीचर देखने के लिए आए थे। हमने फेसबुक पे पढ़ा था ये फर्नीचर शॉप के बारे में। यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगा, एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे हम लोग यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि ये जैसा हमको चाहिए था, नीचे लकड़ी और ऊपर फोम, तो यहाँ पे आके ये हमारा विश कंपाइल हो गया। तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी है। हमने बुक भी किया, 2-3 चीजें बुक किया, बस सोफा लेने आए थे, सोफा, काउच, डाइनिंग टेबल पूरा बुक करवाया। बहुत अच्छा लगा, स्टाफ भी यहाँ का बहुत अच्छा है। I've come to Pune after a very long time and I'm looking for gifts for my near and dear ones, and there is no other shop that I can think about but Anas Handicrafts. The workmanship, the crafting is so amazing, the finishing is to the T, and it's so reasonable price. These are the best gifts and I just go amazed whenever I come to this store. So all the best, and I wish then get many awards, because it's truly deserving. It is anything that you are thinking about, you will find a gift here. So it is a wonderful place to shop, and I wish them all thank the best. You so thank you. We Anas Handicraft Furniture मध्ये आलो, कॅम मध्ये मी जे काही ते वस्तू दाखवतील ते प्रत्येक वस्तू आपल्याला आवडतीच आहे, आणि ते आपण ते घेतल्याशिवाय शॉपच्या बाहेर जाऊ शकत नाही। आणि सेल्समॅन सर्विस एकदम चांगले आहे, आणि प्रॉडक्ट हे सगळे अँटिक आहे। ज्यांना कोणाला काय अँटिक मटेरियल आवडतंय त्यांनी जरूर या शोरूमला व्हिजिट केलं पाहिजे, आणि इथं आल्याच्यानंतर वस्तू घेतल्याशिवाय माणूस काय बाहेर जाऊ शकत नाही आहे।